तो हेलो फ्रेंड्स, अभी टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, आपकी गाड़ी नई होते होते जैसे 1 साल 2 साल होने के बाद गाड़ी में जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है, तो आज उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं हूँ अनिल बागुल, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और मेरा यूट्यूब पे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, ध्यान रखना और समझना। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और ख़ास है, जो आपके लिए ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो है गाड़ी स्टार्टिंग का। तो आप खुद ऑनर हो या गाड़ी चलाने देते हो रेंट पे, तो ये बातें सभी को होती है लागू, क्या स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है क्यों होता है। तो आज का वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना, कोई मिस ना करना। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपके लिए ऑटो रिक्शा ज्ञान में, तो सबसे पहले आपकी गाड़ी की जो बैटरी है उसका जो टर्नल है उसको अच्छे से पानी से धो के साफ़ करके साइन पेपर से घस लेना है, उसका जो कार्बन निकाल देना है। और तीसरा है उसके बैटरी के अंदर का पानी, वो भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कम ही होने के प्रॉब्लम होता है। दूसरा है गाड़ी के जो वायरिंग के थ्रू, सॉकेट के थ्रू आने वाला करंट और उसके अंदर होता है कार्बन। और दोस्तों, उसके ऊपर जो फ्यूज बॉक्स है उसके भी खोल लेके चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ये भी प्रॉब्लम देता है। तो दोस्तों, ये एक एक चीज़ आप ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा है गाड़ी के प्लग, गाड़ी के प्लग भी एक हो या दो, उसको खोल के पूरी तरह साफ़ कर लेना है, उस पर कार्बन जो भी हो निकल जाता है। और ये प्लग के बारे में मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी, वो देख लेना है, क्योंकि ये माइलेज के लिए बहुत काम आता है। और आपके पास पैसे हो तो आप नया भी प्लग डाल सकते हैं दोस्तों। और चौथा है गाड़ी का कार्बोरेटर, उसका भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, वो भी स्टार्टिंग के लिए एक प्रॉब्लम माइलेज के लिए रहता है। तो फिलहाल अभी आखिरी इसमें आता वो है अपना गाड़ी का स्टार्टर, वो टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक, स्टार्टर में भी वो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, तो वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ियों में ये चीज़ें भूल जाती है कि गाड़ी स्टार्ट होने में क्या प्रॉब्लम है, उसी के कारण मैं आज का ये वीडियो है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखने के लिए शुक्रिया। तो खुलने के बाद पता चलता है कि अंदर के ब्रश है, फोर स्ट्रोक में 4 ब्रश होते हैं और टू स्ट्रोक में 2 ही ब्रश होते हैं, जो उसको कार्बन ब्रश बोलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही कार्बन है, तो उसका अच्छे से साइन पेपर से घस लेना चाहिए। और आर्मेचर पर भी जो कार्बन आया काला काला कलर, ब्लैक कलर का, तो उसको भी साफ़ कर लेना है पेट्रोल से। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। खुलने के बाद ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मेंटेनेंस एक बार तो भी खुल के उसको देख लेना चाहिए। ज़्यादा दिन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा खर्चा आता है और ज़्यादा काम निकलता है। तीसरा है दोस्तों उसका बेंटेक्स, बेंटेक्स वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि वो ख़राब होने के बाद गाड़ी स्टार्ट होने में वो बहुत प्रॉब्लम देता है, और उसके बाद ब्रश और बेंटेक्स ख़राब हो जाते हैं। खुलने के बाद उसको ग्रीस सब लगा के, इसका वीडियो जो आपको पूरा वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ, मैं इसका भी वीडियो फुल वीडियो बना के पहले डाल चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता, क्योंकि वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आएगा कि स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिलहाल दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करना है और फॉलो भी करना है, क्योंकि यही कारण हमको मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए अपडेट देता रहूँगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो, क्योंकि मेंटेनेंस रखने के लिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप नए ऑटो ड्राइवर हो या पुराने, उम्र के हिसाब से आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि रिक्शा में स्टार्टिंग का क्या क्या प्रॉब्लम है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि इसी के वजह से आगे वीडियो अच्छे अच्छे बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा, अपडेट मिलते रहेंगे। बेंटेक्स है 1500 आता है, हर एक अलग अलग MRP मिलती है। तो मैं आपको फिलहाल, तो ये फोर स्ट्रोक का बेंटेक्स है, तो फिलहाल इसका पूरा काम होने के बाद काम कैसे करता है उसका छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मेरा वीडियो यही ख़त्म करने के बाद आपके लिए और एक वीडियो कल अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, देखते रहे ऑटो रिक्शा ज्ञान। ऑटो रिक्शा ज्ञान में मैं हूँ अनिल बागुल, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके गाड़ी के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए। बाय दोस्तों।